ताजमहल जयविलास पैलेस ग्वालियर में परम श्रद्धेय श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भेंट वार्ता साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं भेंट वार्ता में संतों ने प्रतिनिधि मंडल ने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से नर्मदा शिप्रा मंदाकिनी नदी न्यास अध्यक्ष का पद डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी जी को दिलाए जाने का आग्रह किया, जिसमें सिंधिया जी ने उपस्थित समस्त प्रतिनिधि मंडल के लोगों को आत्मीय भाव प्रकट करते हुए आश्वस्त किया। साधु समाज ने हृदय की गहराइयों से श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हृदय की गहराइयों से साधुवाद दिया एवं अनंत काल तक अनवरत रूप से अनंत कृपा बनाए रखने का आग्रह परम पिता परमेश्वर से किया है। आज के प्रतिनिधि मंडल में नर्मदा शिप्रा मंदाकिनी नदी न्यास अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार एवं महंत श्री राम जीदास त्यागी जी, यज्ञ सम्राट श्री नागेंद्र तिवारी जी, श्री राम लखन ठाकर जी, श्री गिरिराज त्यागी जी, श्री भीमसेन रावत जी, श्री बादशाह रावत जी, श्री हरबीलास ठाकर जी और श्री राम अवतार त्यागी जी, डॉक्टर श्री के एन मिश्रा जी, श्री रमेश उपाध्याय जी, श्री केशव पराशार जी, श्री देवेंद्र जादौन जी, श्री गंगाराम ठाकर जी, श्री नागेश शर्मा जाप जी, श्री नीरज शुक्ला जी, श्री दीपक गौर जी, श्री कुंज सोनी जी, श्री मनदीप कौर जी, श्री संदीप शुक्ला जी, श्री राहुल बंसल जी, श्री महेंद्र सिकरवार जी, श्री लखन शर्मा जी एवं निर्मोही अखाड़ा के श्री महात्मा श्री शास्त्रुक जी और भी सम्मिलित थे एवं राजेंद्र शुक्ला पूर्व पार्षद केलारस जिला मुरैना भी उपस्थित रहे। मैं रामजी दास त्यागी आज राजभवन ग्वालियर स्टेट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी सरकार की कुशल सरकार का नेतृत्व करने वाले महाराज श्री के सानिध्य पे हम सभी संत महात्मा लोग उपस्थित हुए और डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी जी के लिए अध्यक्ष पद न्यास अध्यक्ष पद के लिए आग्रह किया। महोदय ने बड़े हृदय अंतरित हो करके हम सभी लोगों की भाषा को समझा और सुना और आश्वासन किया कि हम आपकी बात सुनेंगे और आपको उस गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कुशल नेतृत्व और राष्ट्र के गौरव सिंधिया जी को मैं साधुवाद के साथ जय जय श्री राम का नारा देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम सभी संत जन उनको साधुवाद दे करके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आज सानिध्य प्राप्त हुआ और हम सभी हृदय की गहराइयों से उन्हें साधुवाद देते हैं। उन्होंने भी हमारे प्रतिनिधि मंडल को आंतरिक भाव व्यक्त करते हुए अपने हृदय से लोगों को जोड़ने की बात कही और स्नेह प्रेम जिस तरह से उनके परिवार का जनमानस में रहा उसी तरह से उन्होंने देश और प्रदेश की जनता को स्नेह प्रेम, राजनीति अपनी जगह है लेकिन जो उनका कर्तव्य होना चाहिए जनमानस के लिए उन्होंने स्नेह प्रेम लोगों के साथ प्रकट की। हृदय की गहराइयों से उन्होंने अपनत्व की भावना दर्शाई, उसके लिए हम सभी साधु संत उनको अनंत साधुवाद देते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।